तो आज आप लोगों का टॉपिक है ओपन बेड, ठीक है ना? Yes. ओपन बेड में कौन कौन सा आर्टिकल्स होता है, ठीक है ना? Yes, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है सारे आर्टिकल्स, ठीक है? तो हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्या होना चाहिए, बेड होना चाहिए, जो ऑलरेडी ये आपके पास बेड है। बेड के बाद हमारे पास होना चाहिए एक आईवी स्टैंड पेशेंट के साइड में, जो क्योंकि पेशेंट को आईवी फ्लूड देने के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या हमारे पास होना, पेशेंट के साइड में है पेशेंट सॉल्व, ठीक है ना? जिससे पेशेंट की मेडिकेशन वगैरह सारी चीज़ें रखने के लिए, ठीक है? और यहीं पर एक साइड में अपन को एक किडनी ट्रे होना चाहिए, बट क्या है वो किडनी ट्रे अभी हमारे पास यहाँ पर क्लियर नहीं, पर होना चाहिए किडनी ट्रे। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट मटेरियल जो भी होता है उसको हम क्या करेंगे निकालने के लिए, ठीक है? अगर माउथ के पास ड्राइवर को पता है तो उसको अपन वगैरह उसको हमें करेंगे, और उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ गया? नेक्स्ट, ठीक। नहीं, हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास एक है जो मैट्रेस है, क्या ये मैट्रेस देखो इसको, यही है, देखो हाँ मैट्रेस है, ठीक है ना? तो मैट्रेस का काम क्या होता है कि जो भी अगर लीकेज है, ठीक है ना, अगर पेशेंट अगर कभी यूरिन कर देता है, कभी टॉयलेट कर दिया, तो ऐसे में क्या हो जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ रहे हैं ना, दो बेडशीट होना चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास दो बेडशीट है, तो एक बेडशीट तो हम इसको पेशेंट को लगा बेड बेड में दोनों मिलके, ठीक है? एक इधर चले जाओ, एक इस कोने में आओ, इस कोने में थोड़ा बट बेड मेकिंग करो, ये क्या है, हमने एक बेडशीट लगा दिया, ठीक है? हमारे पास उसे दो बेडशीट होना चाहिए, ठीक है? कभी कभी पेशेंट के रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो हम बेडशीट उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना? अगर नहीं है, अगर कभी अपन को जरूरत पड़ गई तो हम ब्लैंकेट भी दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट ब्लैंकेट टैडी करो अच्छे से, रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग अपन को ब्लैंकेट भी हम प्रोवाइड करना है, एक ब्लैंकेट होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पिलो और पिलो कवर, ठीक है? पेशेंट को कंफर्ट के लिए हम क्या करते हैं, पिलो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना? पिलो प्रोवाइड करा दी विद कवर के साथ, ठीक है? ठीक है, और इसी के साथ में हाँ, एक हमारे पास एक साइड में अपन को बेडशीट रख दो, क्योंकि दो बेडशीट रहती है हमारे साथ में, ठीक है ना? हमारे पास ये दो अच्छे से लगाओ, दो बेडशीट हो गए, ठीक है? अब इसके बाद जो भी बेस्ट है, जो भी क्या होता है निकलता है, ठीक है ना? अगर इससे जो वेस्टेज निकलता है, ठीक है, जो भी नीलेंस, समझ है? Yes. तो वो क्या करेंगे हम, जो भी क्लॉथ वगैरह, तो हमारे पास ये ट्रॉली साइड में रहती है पेशेंट की, ठीक है ना? तो हमें ये ट्रॉली में अपन को रखना है, समझ गया ना? Yes. हाँ, नेक्स्ट इधर आइए, साइड से आ जाओ। हाँ, ये आप पेशेंट के साइड में अपन को एक बकेट्स होना चाहिए, जो कि अगर वही देखिए, अगर पेशेंट का जो भी साधारण जो वेस्टेज जो निकलता है, सारा चीज़ इसमें पेशेंट के साइड में एक, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे पास एक बेड पैन, ठीक है? यहाँ पर आप लोग बेड पैन देखने को मिलेगा, अगर पेशेंट एक से दूसरे का मूव करके अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट का हमें क्या करना है, स्टूल पास कराने के लिए बेड पैन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी तरीके से हमारे पास एक यूरिन पार्ट होता है, पेशाब को यूरिन कराने, तो पेशेंट को यूरिन कराने के लिए हम यूरिन पार्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर, सभी लोग क्लियर है, सभी लोग, ठीक है, समझ आए ना? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है इसके अलावा? ये हमारा क्या हो गया, एक कंप्लीट सेट है जो पूरा आ रहा, ठीक है? हाँ, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट ओपन बेड हमारा तैयार हो गया है,
समझ गया। चलो ओके।